हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम की स्ट्रेटजी। और हमारे साथ हैं प्रीतम जी, जो फिलहाल जो है वो रिसेंटली रिकमेंड हो गए हैं आईएमए एंट्री के लिए। तो इनसे वन बाय वन सारी चीजें समझेंगे, डिटेल में इनसे समझेंगे कि किस तरह की इनकी जर्नी थी। सारी चीजें वन बाय वन डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आईएमए के लिए तो आपको तीनों सब्जेक्ट जो है वो इजिली कवर हो जाएंगे। पता लगेगा कि एग्जैक्टली उन्हें क्या स्ट्रेटजी जो है वो रखी थी। तो हाय प्रीतम जी, हाय सर, गुड कैसे इवनिंग हैं सर। आप? गुड इवनिंग। सर मैं कैसे अच्छा हैं? हूँ सर, आप? मैं भी बढ़िया हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, कहाँ से हैं आप, और अपने स्टडी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, सो दैट कि ज्यादा सही से पता चले कि किस तरह से आपने मतलब बिल्डअप किया था अपने डिफेंस प्रोफेशन को। सर बेसिकली आई बिलोंग्स टू ओडिशा सर, बट अभी फिलहाल तो मुंबई में रहता हूँ। और मेरी मेन एजुकेशन 10th और 12th इधर मुंबई से हुई है, केंद्रीय विद्यालय ONGC पनवेल से सर। आफ्टर दैट मैंने बीएससी जियोलॉजी से बीएससी करी है और करेंटली अभी एमएससी कर रहा हूँ सर। सो फिलहाल जैसे कि अभी आपने सीबीएस क्लियर किया, अभी एसएसबी में भी रिकमेंड हो चुके हो, मेडिकल भी हो चुके हैं, तो इससे पहले आपने एनडीए के लिए ट्राई करा था? नहीं सर, एनडीए के लिए नहीं किया था, पहले अटेम्प्ट था और डायरेक्ट सीडीएस के लिए ट्राई किया था सर। सो कैसे, मतलब क्या मोटिवेशन रहा अचानक से कि आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए तैयार हो गए? सर पहले तो मतलब स्पोर्ट्स में बहुत था, क्रिकेट खेलता था, अच्छे लेवल पे खेला था, तो उधर ही फोकस था। फिर कोरोना आया सर, तो सब बंद हो गया। देन ठीक है। आई थॉट कि अभी कुछ तो अलग करना पड़ेगा। फिर तब मैंने एक्सप्लोर करना चालू किया, तो मेरे को ये सीडीएस एफकेट एग्जामिनेशन के बारे में पता चले। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एंड सो आई बेसिकली आई गेव द दिस अटेम्प्ट ओनली 2021 CDS 2। सो मतलब ऐसा नहीं था कि आप बहुत ही पहले से आप ड्रीम कर रहे थे कि डिफेंस में जाना है, नहीं सर, बस सब कुछ सडन था आपके लिए। सडन था सर, एक मोमेंट में आया, बस करना है तो करना है, फिर चालू हो गया सर। क्या बात है, बहुत सही। जैसे आपने मतलब बेसिकली आपने चेक करा कि ठीक है, अब डिफेंस एग्जाम है, सीडीएस एफकेट है, ये आप दे सकते हो, तो इसमें कुछ आपके मतलब स्पेसिफिक था कि आपने आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, कुछ आपका मेन प्रेफरेंस था? सर आर्मी सबसे मतलब पसंद तो आर्मी ही थी, इसलिए सर सीडीएस एंट्री में भी बस आईएमए और ओटीआई ही भरा था सर। बाकी आपने भरे नहीं थे? नहीं सर, भरा ही नहीं था। मतलब आपने फर्स्ट सीधा रखा आईएमए एंड देन फोर पे हाँ ओटीआई सर, देन दिया। ओटीआई। हाँ सर, ठीक है। सो फिर कैसे आपने स्टार्ट करा, मतलब जैसे आपको पता चला कि आपने मतलब ये एग्जाम है, ये आप एग्जाम दे सकते हो, तो फिर किस तरह से आपने सोचा कि अब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सर जब मैंने ये सोचा था तो बेसिकली ओडिशा से तो ये फील्ड में कोई आता नहीं है, तो कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था। तो तब आईपीएल देखता था, तो ऐड आता था अनअकैडमी का, तो सर सब्सक्रिप्शन ले लिया पहले बिना सोचे। फिर सर धीरे धीरे आप लोग को आपको फॉलो किया, फिर इंग्लिश के लिए सिद्धांत सर को फॉलो किया, फिर जीएस के लिए श्री सर को फॉलो किया। तो जैसे जैसे करते गया फिर पता चलते गया क्या करना है क्या नहीं। तो सर बेसिकली 2-3 महीने तो इसी में निकल गए कि क्या करना है क्या नहीं सब्सक्रिप्शन के बाद। उसके बाद सीरियस प्रिपरेशन चालू हुआ सर। फिर सो कितने टाइम का आपका टोटल प्रेपरेशन रहा, मतलब जो आपने ये अटेम्प्ट दिया था? सर मैंने अटेम्प्ट मैंने जनवरी में सब्सक्रिप्शन लिया था, और आई गेस फर्स्ट फेब में शायद तब CDS 1 होता था, तो वो अटेम्प्ट मैं दे नहीं पाया था क्योंकि कॉलेज का सर्टिफिकेट वगैरह था। तो वो फेब के बाद ही प्रिपरेशन चालू किया, मार्च से चालू किया था, 2021 मार्च। सो आपने नवंबर वाला दिया अटेम्प्ट फिर? यस सर, नवंबर वाला, नवंबर 14। ठीक है। सो मतलब बीच में जो यही टाइम था, लगभग लगभग 7-8 महीने, 9 महीने, 10 जो भी थे, तो हाँ सर, इस बीच में आपका प्रेपरेशन रहा। हाँ सो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम सिलेबस की बात करें तो काफी ज्यादा है, 3 पेपर होने, सेम डे पे होने हैं, तो फिर वन बाय वन अगर हम थोड़ा सा समझे तो इंग्लिश के लिए आपने किस तरह से ओवरऑल चीजें करी, थोड़ा सा अगर आप सर डिटेल में एक बताएंगे। इंग्लिश तो सर पहले से अच्छा था, तो इतना एफर्ट की जरूरत नहीं थी, और सीडीएस का इंग्लिश काफी इजी आता है। अगर हम एंटोनिम सिनोनिम वो पार्ट को छोड़ दे तो बाकी ग्रामर पकड़े तो आसानी आता है। जी तो बिल्कुल। सर मैंने एक ही बार कोर्स लगाया सिद्धांत सर का, और उससे नोट्स बना लिए थे, तो वो नोट्स को बार बार रिवाइज करता था और नए नए क्वेश्चंस लगाता था, लाइक PIQs पहले सॉल्व किए मैंने,
जी उसके बाद बहुत सारे ऐप्स होते हैं, फ्री ऐप्स, हाँ उसमें हाँ क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर ओके ठीक अनअकैडमी के फ्री क्लासेस होते हैं, तो है वही सब करता गया, तो वो ब्रशअप होता गया सर। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस ऐसे ही करी, ऐसा कुछ अलग से इंग्लिश के लिए तो नहीं किया। ओके एंड सो मेनली कितना टाइम आप डेली जो है वो रखते थे इंग्लिश के लिए, या फिर आपने ऐसा करा मतलब डेली डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते थे या फिर बीच बीच में कभी कभी? सर डेली डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता था, ऐसा नहीं कि जैसे कि मैथ्स अभी 2 आवर करना है, इंग्लिश ऐसा नहीं था सर, थोड़ा थोड़ा ओके डेली प्रैक्टिस करता था सर। और सर मैंने एंटोनिम सिनोनिम बिल्कुल नहीं किए सर, ठीक है सो मतलब आपने बेसिकली बस जो ग्रामर रिलेटेड चीजें थी उन पे ज्यादा फोकस किया हाँ उस पे किया। और और राइटिंग की मैंने जो बस वो भी है। नीतू सिंह जी, नीतू सिंह एक मैम है, उनका SSC CGL का इडियम एंड फ्रेजेस का आता है, जी 600 इडियम एंड फ्रेजेस थे, उसको अच्छे से कर लिए थे, तो ओके इडियम एंड फ्रेजेस उसी से आते हैं, तो वो मेरे हो गए थे। लेकिन एंटोनिम सिनोनिम मैंने 20 क्वेश्चन में से बस 4 ही अटेम्प्ट करे थे। ठीक है ओके सो मतलब इंग्लिश जो है वो वैसे भी आपके लिए थोड़ा इजी था। मतलब इसमें मेरी एक स्टेटमेंट रहती है जब भी मैं स्ट्रेटजी सेशन लेता हूँ कि अगर कोई बिना पढ़े भी इंग्लिश का पेपर देगा तो 50 नंबर तो आ ही जाने सर हैं, 50 तो आ ही जाते हैं। तो अगर ज्यादा ले अगर आपको क्लियर करना है तो आपको उसमें से 10-20 मार्क्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। हाँ हाँ सर, तो उसके लिए मतलब सर बेसिकली वो जो जंबल सेंटेंस ये सब बहुत इजी होते हैं, सेंटेंस 1 to 6 वो बहुत आसान होते हैं, तो कोई भी कर लेता है। मेन बेसिकली वो जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, फिर उस हाँ क्लोज टेस्ट होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत ग्रामर की प्रैक्टिस चाहिए, और स्पॉटिंग एरर इन सब जी के लिए चाहिए बेसिकली ग्रामर की प्रैक्टिस, दैट्स इट। तो उससे ओके आराम से कोई बंदा, मतलब एवरेज बंदा भी 70 तो स्कोर कर ही सकता है इंग्लिश में, 70 से 80 के बीच जी सो मतलब बेसिकली एक बार ग्रामर कर लो एंड देन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। प्रैक्टिस सर। हाँ सर ठीक है ओके और प्रैक्टिस के लिए कुछ फ्री सोर्सेज हो सकते हैं क्वेश्चन के लिए? अनअकैडमी की फ्री क्लासेस आपने करी, सिद्धांत सर के हाँ कोर्सेज सर करे थे, ईडीएफ्स एंड फ्रेजेस के लिए आपने एसएससी के नीतू मैम के कुछ पीडीएफ हाँ कर लिए। सर, वो ठीक ऑनलाइन अवेलेबल है सब, वो PDFs, तो उधर डाउनलोड वो करके उसको डाउनलोड कर बार बार लिया रिवाइज करता था। ठीक है ठीक और है हाँ सो सर, और सेम मेन चीज आप एफकेट में भी फोकस आता है सर। हाँ सो मेन फोकस आपका था प्रैक्टिस पे कि ज्यादा से ज्यादा यस सर, प्रैक्टिस। हाँ सर, इंग्लिश के लिए तो वही था। ओके सो देन अगर हम बात करें तो जीएस का आता है सो एक ओवरऑल काफी है भी कि मतलब सभी को यही रहता है कि जी जीएस हो जाए किसी तरह से, तो जीएस में क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? सर GS में तो पहले मतलब बुक पढ़ने को मन नहीं करता था, फिर हाँ मैंने हाँ श्री ओके सर के क्लासेस लगाए, और मतलब पहले से मन में था कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि सर बचपन से पसंद नहीं थे, तो सर वो ओके दोनों मैंने पूरा छोड़ के चला। बाकी मैं जियोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो ज्योग्राफी मेरे लिए आसान था, तो ठीक है उसके लिए मैंने 11th 12th की NCERT पढ़ी ज्योग्राफी के लिए, और GC लियोंग बुक पढ़ी। देन ओके आफ्टर दैट इसके लिए पॉलिटी के लिए सर लक्ष्मीकांत, M. लक्ष्मीकांत, और उसमें भी सर सब चैप्टर्स तो पढ़ने नहीं होते, गिने चुने चैप्टर्स होते हैं, वो भी सब सर क्लास में बता देते क्या पढ़ने क्या नहीं है। ओके तो M. लक्ष्मीकांत पढ़ी, फिर साइंस के लिए 9th 10th की NCERT पढ़ी, ओके ठीक और करंट अफेयर्स तो आपके आते ही हैं। ठीक है सो बेसिकली आपने क्लासेस भी करी, क्लासेस के साथ साथ आपने बुक्स भी करी हैं। हाँ सर, ओके सो मेनली जो आपने बुक्स बताई पॉलिटी के लिए कौन सी बुक? लक्ष्मीकांत सर ठीक M. लक्ष्मीकांत, हाँ सर, है और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तो आपने छोड़ दिया। सर टच भी नहीं किया था, और ज्योग्राफी के लिए 11th 12th की NCERT सर, ठीक है और साइंस के और लिए? उसमें भी साइंस 9th 10th की NCERT, और सर 11th 12th की NCERT में भी ज्योग्राफी में 11th वाली NCERT ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में गिने चुने चैप्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह रिलेटेड, वही हाँ हाँ करनी है, पूरी तो करनी नहीं पड़ती है, तो ठीक सारे कवर हो जाते हैं। और GC लियोंग एक है, वो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है सर, जियोमॉर्फोलॉजी जो पार्ट होता है उसके लिए। ओके सो जैसे आपके माइंड में ये क्लैरिटी आई कि 11-12 की अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो उसमें सारे चैप्टर नहीं करने हैं, इवन आपने लक्ष्मीकांत में भी कहा कि सारे चैप्टर नहीं करने आपको लिमिटेड करने हैं, तो ये जो क्लैरिटी माइंड में रही है किस तरह से आई आपके? सर ये सर के क्लासेस लगाने के बाद सर उधर बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, सर ने श्री सर ने बेसिकली एक लिस्ट भी दी थी 9th 10th की NCERT में, कौन सी चैप्टर्स पढ़नी है साइंस के लिए कौन सी नहीं, ठीक है तो सर उससे बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, कि हमें पता पहले से पता रहता है कि ये चीज करनी है ये करनी नहीं है, तो टाइम सेव हो जाता है, और उसी ओके चीज को मल्टीपल टाइम्स करते रहते हैं तो रिवाइज होते रहता है। रिवाइज हो जाएगा। और फिर उसके अलावा फिर ये आपका सिलेबस हो गया ठीक है, करंट हाँ अफेयर सर, करे आपने, हिस्ट्री आपने छोड़ी है, इकोनॉमिक्स छोड़ी है, सो पॉलिटी ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया ठीक
ठीक है सर इसी आप। चीज में 100 में से 50 मार्क्स आराम से ले ला सकते अगर एक्यूरेसी रहा तो, हाँ सो मतलब ये मेनली सी ये है। कि क्वालिटी हो, क्वांटिटी चाहे हाँ कम हो, क्वांटिटी कम हो। क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ सर। और इसमें कुछ प्रैक्टिस वगैरह आप करते थे कि बस आपने बुक्स को रिवाइज करा? सर इसमें मैंने दिशा की PYQ की बुक ली थी और सीडीएस उससे की, CDS की सर, ओके ठीक है। उसमें से PYQ ही प्रैक्टिस करा मैंने GS के लिए स्पेसिफिकली, और कोई सोर्स नहीं लिया। और श्री सर की फ्री क्लासेस में वो IAS के क्वेश्चन कराते थे, और ठीक एक मृणाल कर करके बुक है हाँ उससे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, तो IAS वाले क्वेश्चंस होते थे तो CDS वाले आसान होते थे कंपैरेटिवली लगते थे। और अब बिल्कुल तो CDS पैटर्न भी बदल रहा है धीरे धीरे, वो UPSC को मतलब CSE को हाँ फॉलो करने लग गए। जी बिल्कुल ओके। सो मतलब जीएस में भी आपने पहले तो माइंड में क्लैरिटी रखी कि मैंने मैंने ये चीजें करनी है, एंड देन फिर हाँ सर। उनको आपने फॉलो करा। यस सर। ओके सो देन अगर हम बात करें तो मैथ्स पे आते हैं, तो मैथ्स किस तरह से आपने करा? सर मैथ्स तो सर आपसे चालू किया था तो पहले एफकेट होता है, तो पहले अरिथमेटिक पार्ट आप कराए, ठीक तो सर है ठीक मैथ्स मेरा पहले से स्ट्रांग था, मतलब अच्छा था। 11th 12th में काफी ओके अच्छा था मैथ्स, तो पहले अरिथमेटिक करी। और मैथ्स के लिए तो कोई बुक की जरूरत नहीं, आपकी प्रैक्टिस सेट ही इनफ होती है। ठीक है उसमें SSC के भी क्वेश्चन होते हैं, CDS के PYQs भी होते हैं, और FCAT के तो वही सेम एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं अरिथमेटिक। तो पहले बिल्कुल अरिथमेटिक क्लियर करी, फिर एडवांस आने एडवांस आई, फिर मैंने एडवांस भी क्लियर करी, मतलब ठीक अच्छे से करी। एडवांस में बस वो नंबर सिस्टम थोड़ा सा पंगा था, बस बाकी सब तो आसान था एडवांस में भी। ठीक है ओके। सो जो आपका अटेम्प्ट था उसमें, उस वाले अटेम्प्ट में आई थिंक क्वेश्चन भी थोड़े से ऐसे थे कि कैलकुलेटिव ज्यादा थे। हाँ सर बहुत कैलकुलेटिव थे सर, मतलब एक आप क्वेश्चन अगर आप लीव करोगे तो पार्ट बी करे छोड़ दिए, बी तो सी कर नहीं सकते हो क्योंकि कोरिलेटेड रहते थे क्वेश्चन से। हाँ तो उस वो वाला पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है इंग्लिश में कितना स्कोर हुआ था? सर इंग्लिश में 70 कुछ आया था, 70 कुछ, और जीएस 70 में प्लस हो फोर्टी गया। सेवन ठीक हाँ है सर जीएस में 47, और मैथ्स में सर 46। ठीक है। सो मतलब 160 प्लस आपका स्कोर हो गया था। मेनली हाँ हाँ सर। अगर आपने AFA भी रखा होता तो उसमें भी आपका नंबर होता। हाँ सर। ओके बट आपका मेनली IMA है सो आपको वो मिल गया। हाँ, सर वो मिला। ठीक है सो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। साथ में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अगर अभी स्क्रीन शेयर होता है। हाँ तो ये स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी, तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो हमारे कोर्सेज, तो इस तरह से कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है अभी ऑफर भी चल रहे हैं, जैसे 12 मंथ पे 12 मंथ का SSB फ्री रहता है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस तरह से सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो यूज कोड करियर स्टडी लाइफ, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, CDS AFCAD कैटेगरी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सो ये सारी चीजें हैं। बाकी अभी हम प्रीतम जी के साथ SSB से रिलेटेड भी बात करेंगे, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आई होप इनका जो मेन जो ओवरऑल था वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से इनका क्या इनका पैटर्न था, क्या इनकी स्ट्रेटजी थी। लास्ट में मैं एक और बार पूछ लेता हूँ, अगर आप ओवरऑल प्रीतम जी कोई टिप देना चाहें स्टूडेंट्स को, अगर आप एक बार बताना चाहें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने एंड से एक बार बता सकते हैं। सर बेसिकली ये बोलूंगा कि पहले से ऐसा माइंडसेट से नहीं जाना चाहिए कि मैं इतना ही करूंगा और उतना छोड़ूंगा, क्योंकि हमें पता नहीं पेपर में कि अगर इतना करके गया उससे क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं। जी तो बेसिकली हमें सारा कुछ कवर करना है और अच्छे से करना है, ताकि अगर ये पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरे पार्ट से आएगा तो उसमें कवर अप हो सकता है। कवर अप लाइक होगा। सर हमारे टाइम में मैथ्स मुश्किल आ गया, वही हाँ अगर GS छोड़ के गए रहते तो मैथ्स में मार्क्स भी नहीं आया, GS में भी मार्क्स नहीं आया, तो पेपर क्लियर नहीं होता। बिल्कुल तो सर सबको सबको अच्छे से करना है और कंसिस्टेंसी रखना है सर, ऐसा नहीं कि मतलब आधा कर लिया आधा छोड़ दिया और आज करे कल नहीं करे, वही है बस कंसिस्टेंसी रखो तो होता है सर, पेपर तो आसान ही है। जी बिल्कुल। चलिए सो रिटन एग्जाम के बारे में लगभग लगभग हमने जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी वो पूछ ली हैं। बाकी कुछ भी अगर किसी का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और SSB से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनसे पूछेंगे। सो अभी मैं ये वाला सेशन ऑफ करता हूँ, बाकी मैं उसके बाद फिर रिकॉर्ड करूंगा सो दैट कि SSB वाला पार्ट डिफरेंट हो जाए। तो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे, एंड जय हिंद।